वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन हो गुरमुख प्यारेओ, बहुत ही महाराज सच्चे पातशाह दी पार बख्शिश है जो आपां नूं उसने उत्तम बख्शिश कीता, बल बुद्ध बख्शिश कीती है, जिस दे सदका आपां सारे सत संगत दे विच पहुंचे। महाराज सच्चे पातशाह सानू गुरबाणी भी समझाउंदे है, पहला तो यह मानस जामा ही छेती नहीं मिलता, क्योंकि 84 लाख जून है, गेड़ा कटदे जीव नू बहुत समा लंघ जांदा, कई युग लंघ जांदे है, फिर कई कई जन्म 1 जून विच भी लेने पै जांदे है, जिन्हों मारे गुरबाणी भी समझाउंदे के अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुकर जून में वल वल उतरे। पता नहीं किन्ने वारी सूर दा जामा मिली जाए, इस करके उसने बड़ी कृपा की थी अपने दे, साड़ी बेनती नू स्वीकार कर लिया, साड़े ते दयालु हो गया। आपां नू 84 लाख जून दे विच्चों 1 नंबर ते लियांदा है, देखो किड्डी वड्डी तुहाडी कामयाबी कह लो, भी तुसी 84 लाख दे विच्चों फस्ट आए हो, समझ रहे हो जी, 84 लाख जून दे विच्चों फस्ट आए हो। मानस जामा 1 नंबर ते है, लख 84 जून सबाई मानस को प्रभ दी। देखो किड्डा कीमती है, बड़े जुगा बाद मिले। ते महाराज की कहिंदे ने भी चिरंकाल पई दुर्लभ दे, नाम विहूणी होई खे, पाश प्रेत मुगत ते बुरी, तिस न बूझे जिन एसरी। ता करके उन्होंने इन्नी शक्ति की थी, ये पशु क्या है, प्रेत क्या है, भी वेखो मसा तक ते मौका मिले, ते फिर इथे आके मन सो गए। लेकिन अपने ते देखो किन्ना दयालु, किन्ना कृपालू, मानस जामा तो मिले ही है। उस तो अगे इस लोक दे विच, काल दे देश विच सत संगत नहीं मिलती, बहुत औखा काम है। ओ फिर जद साडे ते दयालु होवे, एक तां मानस जामा देता दयालु हो के, दूसरा फिर दयालु होया, कृपा कीती, फिर सतसंगत मिली, जिन्हों महाराज कहिंदे ने भी तुमरी कृपा ते भयो साध संग, ई काज तुम आप कियो। समझ रहे हो जी, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਕ ਚ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਨੀ ਸਤਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ, ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ते महाराज कहिंदे सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बजाए जी। हुक्म की है जी, नाम ना के किसी ढंग के कपड़े पहन लेने, जां कोई धार्मिक लिबास कर लेना, हुक्म च नहीं आउंदा। हां जी, एको नाम हुक्म है, समझियो जी। ते कई जीव कहिंदे जैसे तो महाराज दे हुक्म च चलदे, चंगी गल चलदे, तो पर देखो जे नाम प्रगट हो गया ते तां हुक्म च जे वरना नहीं हैगे, गुरु दी मत ही नहीं आई है जे। महाराज की कहिंदे ने, पंचे शब्द वजे मत गुरमत। की हुंदा उदों जदों गुरु दी मत च आईए, बोलो की वजदे ने, पंज शब्द, पंचे शब्द वजे मत गुरमत।
ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵਜਿਆ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਛੇਤੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਦੁਬਦਾ, ਹਉਮੇ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਆ ਸਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਚ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੁਣੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਖੇਡ, ਵੀ ਜੇ ਮੱਤ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਸਰੀਰ ਸਭ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ, ਦੋ ਸਾਲ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਭਰਮ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਪੰਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੰਤਨ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਪੀਠਾ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੀਤਾ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦਾਣੇ ਪੀਂਦੀ, ਤੇ ਪੀਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ, ਪੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤਕ ਪਦਮ ਦੁਆਲੇ ਮਣੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਤਣੀ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਬੈਲ ਵਾਜੇ, ਢੁਲਕੇ ਚਵਰ ਅਸੰਖ ਘਣ ਗਾਜੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਨੰਦ ਨਾਦ ਵੱਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਐ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ? ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਲ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਕੱਠ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ,
मन बारे समझाउणगे भी किवें इत्थे आउंदा किवें पंजे उहनूं कवर करदे ने सावधान गल समझ रहे हो जी ये खेल तुसी समझ रहे हो ते महाराज कृपा हो रही जो पांच सर्प प्रगट हो जाते ने पांच बाण मिल जाते ने अपन पांच तीर कह लो जो दसवें पातशाह ने पांच तीर दी ना बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं ठीक दृष्ट मान तौर पर वह दते उधरों इधर जोड़ता पांच शब्द इधरों देते हाँ जी सिर के उत्ते मेहर भरे हाथ रखता तो देखो फिर हाँ जी मसाला खड़िया करती अज उन्होंने दिता खा रहे आप किवें खा रहे सानू जमीन के मालिक ना बनाता समझ गए तो जमीन तो सारा कुछ उपजता नहीं तो बनजारे सीगे बड़ा औखा सी कम धंधा भी करते पर आपकी मर्जी नाल कुछ तोड़ के भी ना खा सकते एहो जिहा समां सीगा इस करके गुरमुख प्यारियो हुण यह पांच शब्द प्रगट हो गए वडभागी अनहद वज्या अनहद नाद वज्या जी फिर की होया उस तो अगे पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वज्या आनंद मूल राम सब देखिया की होया राम नू देखिया मूल देखिया मुढ भी कित्थों शुरू होया खेल उस राम नू देखिया नाम नू देखिया हां जी गुर शब्दी गोबिंद गजया फिर वह खुश होया कहिंदे गजया साडे अंदर जदों गजदा है ते फिर उहदी आवाज ही ऐसी है सारे खट चक्करी हिल जांदे ने कोई हाँ जी चलो ता ही रोम रोम सिमरन का अभ्यास ज्यादा कर रहे ना ते नाल नाल शब्दां नू सुणे भी वह आवाज नाल दी नाल ही अंतरगत समा जाए वह फिर की होएगा वह जो अंदर जिन्हें तुम कहो भी जहाज की आवाज मतलब कि उवें अंदरों आ रही थोड़े बड़े तेज कई बार तो छाती तो भी शब्द चल पैंदा वह भी जहाज वांगू बड़ी गूंज पाउंदा बड़ा तेज हो जाता जीव डर जाता भी आ क्यों रहा फिर की होएगा वह शब्द जिमें जिमें अंदर चलेगा वह समझो शरीर की सर्च कर रहा एक तरह की खो पंजा का जाल जिहड़ा उहनूं जाल रहा है ठीक है इन्हां पंजा नूं मार रहा है पंजा शब्दों के राही पंज जिहड़े ने काबू हुंदे ने फिर की होएगा नाल ब्रह्म अगन प्रगट होएगी लाइट उहदे नाल इह पंजा का जाल जालिया जाएगा ब्रह्म अगन काल जाल ब्रह्म अगन प्रजारे वह प्रजार दूजे फिर की होएगा वह शब्द हौली हौली शांत हुंदा जाएगा एक तो ब्रह्म अगन प्रगट होगी उन्हें साड़ता जाल हौली हौली शांत होएगा जिवें जिवें शांत होएगा वह फिर मालिक जिहड़ा ना अपना हुण इह तो टुट गए संसार नालों उत्तर लोकी नालों आपां ते मालिक फिर आपां नूं चुक के आदि बुक्कल च बिठाएगा वी आ मेरा पुत हाँ जी उदों वह आप अमृत रस तुहाडे मुख विच पाएगा उदों अपनी इह अवस्था हुंदी वी आपां मर गए टुट गया पाउण नालों संबंध शब्द नाल जुड़ गए आह अवस्था हो रही ठीक जिवें अंत समय शब्द चलता है वह अवस्था हो जाती महाराज की कहिंदे ने कहिंदे चुक के झोली च बिठाया मेरा पोते लिया उहनूं सदा वास्ते उमर अमर कर दिया हुण मर गए सी आपां शब्द राही ते सतगुर सच नूं कहिंदे ने परमात्मा नूं ते महाराज कहिंदे वी सतगुर मेरा मार जवाले हुण की कीता उहने उहदे कोल इक सजीवनी बूटी है जिहनूं अमृत कहिंदे ने उह फिर साडे उहने मुख च पाता लो वी पुत ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਰਸ ਹੈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਦ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਪਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮੋਆ ਜਵਾਇਆ ਬਹੁੜ ਮਰਨਾ ਹੋਈ ਲੈ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਆਹ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਜਣੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਰੱਖਣੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
इस करके फिर वो जिहड़ा गुरमुख है मालक नूं मिल लिया उहदे ते परमात्मा च फर्क नहीं, वह तो फिर सारी सृष्टि का मालक हो गया। उहदी जायदाद सारी सृष्टि है, पता नहीं की कुछ खजाना मालक दे दिंदा है। इस करके गुरमुख प्यारिओ आपां नूं गुरु की मत चाहुणा है ते पंज शब्द प्रगट हो जाण, ठीक है जी। गुरु की मत वास्ते जुगतियां विधियां दस्सियां गुरु ने कि भाई जे उच्चे होना जे ना तो लम्मे पै जाओ, जे उच्चे होना जे लम्मे पै जाओ। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक ता के संग साथ वड्या सो क्या। इस बिलत करांगे ता करो तो खेड़ा छड़े गए। महाराज की कहते ने दो बड़े पैड़े ने, पैड़े तो पंजे ही ने, जे मन त्रै गुणा चा जे बहुत रगड़ते ने, पर काम ते क्रोध बड़े पैड़े ने। वो कहते भी इस घर का भी तुरन बिगाड़ देंगे ने पंजे जने, दोने खास करके काम क्रोध काया को गाले ज्यो कंचन सुहागा टाले। सोने नु कंचन कहते ने वह टलदा नहीं, जिन्ना मर्जी सेक दे जो काला हो जाएगा टलदा नहीं। एक चिट्टा जिहा पदार्थ हुंदा है सुहागा, वह नाल लाओ ते नाल दी नाल पानी नाल दे, सेक ते पानी बन जांदा उदों ही। किते वेख लिओ जी सुनियारे नूं, पुछ लिया जाके वी किवें सोना टलदा है। इस तरह साडे शरीर दी जड़ कढ़दा है क्रोध ते काम। काम क्रोध काया को गाले ज्यो कंचन सुहागा टाले। फिर शरीर कंबना शुरू हो जांदा है, फिर बंदा डिगदा फिरेगा मैनू आ हो गया जी, मैनू हो गया, होया की तू आप ही कीता ना कर संग क्रोध दा। हां जी तुसीं देखो ना कई बार बंदा क्रोध किवें लाल खखा ते की हाल कंबन लग पैंदा। हां जी ते जे इहदा संग करोगे तां ई करेगा काम, ते कामी दा वी इह हाल हुंदा। उहदा बुढ़ापा पता किड्डा माड़ा हुंदा, पुछदा नहीं कोई, फिर उहनूं रोग लग जांदे ने एडे भैड़े गल ही छड्डदे। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਦੋਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੰਦਿਆ? ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਪਾਗਲ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਆਪਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਆਪਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਗਲ, ਤੇ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਪਗਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਦੋਏ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋ ਨਾਉ, मूर्ख है सिर मूर्ख है जो मने ना ही ना। इस करके जेड़ा ये है जी, ये बगाना शरीर साडा नहीं। जो असी दे मालक बनते भन तोड़ कर लेने, ठीक है। ता करके महाराज कहिंदे भी जे दाढ़ी भी रख लीए नाम नाल नहीं जुड़िया ते गरीबा उपर खिंचे दाढ़ी, सो दाढ़ी पार ब्रह्म अगन में साड़ी। कहिंदे अगन च साड़ा गया जी दाढ़ी नूं, जे तुसीं गुरमुखां दी सेवा ही ना कीती। गरीब गुरमुखां नूं कहिंदे ने, उन्हां ते करदे रहे तुसीं निंदिया, करदे रहे चुगली, ठीक है ना। इस करके महाराज कहिंदे भी ठाकर छोड़ दासी को सिमरे, मनमुख अंध ज्ञाना, हर की भगत करे तिन निंदे, नगुरा पशु समाना। यह साडी वस्था बन जाती। इस करके हुण आपां जिहदी निंदा कीती मान लो वी इहनूं अकल नहीं हैगी, है ना, असीं गुरमत जा के आया ही नहीं, ते की कीता आपां दी गंदगी आपदे मूंह च पा ली। हुण तुसीं सोचो भी करोगे निंदा किसे दी? कहोगे किसी नूं ऐ नहीं भी ऐ नहीं, रहत मर्यादा च नहीं रहिंदा ते मैं बड़ा रहिंदा। हां जी, इस करके जिवें जिवें गुरु की मत आएगी मन नीवा होएगा, वो जाग पेगा। जदों जाग पिया ते सारिआं दे अंदर तां बैठा है परमात्मा। वेखो तुसीं इहनूं मन लो कुछ कहना चाहुंदे हो, तुहाडी इच्छा सपोज करो तुसीं कहना चाहुंदे हो। जे तुसीं त्रैगुणा च कुछ कहोगे कोई भी कहेगा तुसीं लड़पोगे, तुहाडा झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्रोध ते क्रोध अग भड़क पेगी। हुण मान लो ये त्रैगुणा च तुसीं चौथे पद हो, तुसीं इहदे वल देखिया भी चल इहनूं चरण दस्सी यार कुछ,
ते तो अनुहित अंदर परमात्मा दिसना जे तो मन जागत अवस्था च तो फिर परमात्मा ना पंगा ले लोगे बोलो किवें बोलोगे उन्हें माड़ा ते जे बोलोगे ते वेलो मारे कहते निंदा पड़ी किसे की ना ही मन मुख मुग्ध करन मूह काले तिना निंदका नरके घोर। इस करके जी जिवें जिवें असीं जागांगे ना फिर भेत हुण आपां फिर की करना है इत्थे ये वेखना भी हुण जदों अंदर तों दे मालक बैठा वह नहीं समझा रहा उन्हूं ते असी कौन हुंदे समझाउण वाले समझ गए। पर लेकिन असी जे जागे होए हैं गुरमुख हैं ते असी इहनूं बेनती कर सकदे लई देखो मालक दी भाषा इहनूं नहीं आ रही समझ इह त्रैगुणां च ते मालक चौथे पद च ते आपां कर सकदे वीर जी तुसीं संगत च आया करो शराब पींदे हो ना छड जाओगे नाम जपया करो जे तो लग जाए आके ठीक है जी आ जाएंगी तो जे कहो भी मैनू बड़ा ज्ञान है तू आपका चुप रहो मैं जानता तेनू भी जान दे चंगी तरह तो आप सत बचन जी फिर तो असं ब्रह्म ज्ञानी जी जी सानू भी जानते जी तो असी कौन है प्रकाश रूप ज्योत स्वरूप साडा मन परमात्मा का बच्चा है तो जो बेचारा कहे मैं तुहानू भी जानता सत बचन जी फिर तो ब्रह्म ज्ञानी हो तुसी नहीं मानते तो असी मान लिया ठीक आप चुप कर जाना। एक पंजाबी की कहावत है दो जने बैठे ने मान लो जे एक कहिंदा तो दूजा मान लैंदा एक कहिंदा दूजा नहीं मानता तो उन्हें संसार च वसण वाले उन्होंने विचार का टकराव है समझ उन्हें संसारी लोग जे एक कहिंदा दूजा मान लैंदा तो पंजाबी की कहावत है एक ने कही दूजे ने मानी दोवें ब्रह्म यानी त्रैगुणा की गल है वैसे ये जे एक ने कहा दूजे ने मान लिया तो उत्थे ब्रह्म ज्ञान है कहिंदे इहदा मतलब उन्हां दा मन सतों गुण अटते है नेड़े ही नहीं उत्थे चौथे पद दे। इस करके आपां ख्याल रखना है इन्हें रोज साडे नाल करिया करना ते आपां धक्के नाल नहीं समझाउणा किसे नूं फिर तां रंगजेब हो गए आपां बोलो सारे वह की करदा सीगा रंगजेब ही सी ना उहदा धक्के नाल जिहड़ा धर्म बदलाउंदा सीगा उदों ही महाराज नवें पातशाह शहीदी दित्ती है ना वह रंगजेब सी उदों हाँ तो महाराज कहिंदे भी ऐ नहीं चलता काम मित्रा इहदा प्यार दा खेड ही ते गां उन्हां दे सपुत्र ने संदेशा दिता भी साच कहूं सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो दिल ही प्रभ पायो। इस करके तो प्यार दा खेड आपां हुण ज्ञान द्वारा अगले दे मन नूं बदलना है मेरी गल समझ रहे हो जी ज्ञान द्वारा धक्के नाल नहीं फिर तो आपां उन्हां च जावड़े फिर तो जाबर हो गया आपां जोर कर रहे अगले नाल कबीर जोर की है सो जुल्म है ले असाब खदाए खदा साहब मंगेगा साढ़े तो ठीक है। इस करके आओ हम सिमन करिए और चरणा च बेनती करिए महाराज कृपा कर दो सानू अकल बख्श दो अगली साहब सेविए अगली पाइए मान अगली पढ़ के बूझिए अगली कीजे दान कह नानक रा एहो है होर गल्लां शतान। आओ प्यार ना बेनती करो करो जी शुरू वाह गुरु 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 वाह इस करके सहज रहना जी महाराज की कृपा है। इवें बाबा कबीर जी जड़े सी जो मालक नूं मिल ले ते लोग उन्हां दा पहला जीवन भी जानते सी इस करके वो छेती भरोसा नहीं करते सी ते बाबा कबीर जी दसन लगे कहिंदे कोठड़े में कोठड़ी परम कोठी बेचार गुरदीनी बस कबीर को लेवो बस समा। कबीर देनी संसार को कबीर दीनी संसार को लेनी जिस मस्तक भाग
अमृत रस जिन पाया फिर तां का सुहाग। इस करके जी अपने तो खुश होया मालक संगत मिलाती, ते गुरमुखा ने वस्तु एक खजाना उस मालक तो दवाता। तो कहिंदा पुत कोई नहीं, जिन्हों मर्जी लिया, कोई टेंशन ही नहीं, कड़ा खजाना मुक्कण वाला आ जा, ले आ जिन्हों मर्जी दे देंगे। पर कोई जावे तो सही, कोई जाता ही नहीं, करिए कि हाँ जी भवे सारे संसार नू ले आओ खजाना मिल जाएगा, पर जाते नहीं की करिए, फिर भज जाते। इस करके गुरमुख प्यारे हो बेनती है भी जिवें हुण 500-700 जीव आपस सौवे कथा चिक, ते जे भवें तुसीं सारे संसार नू सुना लो तो तुहाडे ते, जे तुहानू सुख मिलदा तो उन्हां नू मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं, सहमत हो ना इस गल। चंगा शब्द तो सुख देगा ते माड़ा शब्द दुख देगा, भावे जिन्ने जी मर्जी हो, ठीक है। ये गिनती का कोई मतलब नहीं, यह हुण आपां उन्हां नू स्कूल च लिआउणा है, काल ने आउण नहीं देना, आपां लिआउणा तां जोर लगदा है, संगत चाहणगे तां उन्हां नू ये गल पकड़ जाएगी, समझ गए, उन्हां चिर नहीं आउंदी। इवें हुण बाबा कबीर जी सी जिहड़े, उन्हां सोचा भी चलो आपां रब नू मिलीए, लिया दे ने जन्म मिलिया है परमात्मा नू मिलण वास्ते। तो उन्होंने की किया जी, किताबां लईआं, वेद शास्त्र खट दर्शन पढ़े, होर किताबां पढ़िया, सिमरतियां पढ़िया, ज्ञान ले लिया बहुत। हुण इस संसार च ज्ञानी काल दे पैदा कीते ने। हुण उदों होर कई जीव सी, जिवें बनारस यूनीवर्सिटी चलदी सी, उत्थों बड़े बनदे सी ज्ञानी ते ब्रह्म ज्ञानी। जदों गुरमुख हुंदा ना जी, उदों यूनीवर्सिटी चलदी है, तो जदों जावड़े ना ते मुड़ के कलियां गल्लां ही रह जांदियां ने, माया दा चक्कर ही रह जांदा है, क्योंकि गुरमुख दे नाल खेल हुंदा है सारा। इस करके की है, उह कहिंदे सी असीं ज्ञानी, ते बाबा कबीर कहिंदा सी मैं ज्ञानी, मैं भी शास्त्र पढ़े ने, आ जाओ